जय हिंद साथियों, किक आईक्यू स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ जो आपका नेवी डबल ए SSR के लिए जो स्पेशल क्लास चलाया जा रहा था उसमें आपका ये छठा क्लास है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन कराया जाएगा आपको सो अधिकतर क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक वीडियो में हम आपको 25 क्वेश्चन कराते हैं जिसमें आपका कितना स्कोर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि आप लोग कि क्या आपको प्रगति हो रही है, क्या आप इसे सीख रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जो है आपका क्वेश्चन 126 नंबर है। देखिए इसमें जितना हम करा दिए हैं आप हमारा जो वीडियो है सो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर टोटल वीडियो आप लोग देख सकते हैं, और नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ भी आपका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 126 यानी कि जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चार ऑप्शन दिया जाएगा जो कि आपको 2 से 3 सेकेंड हम सोचने के लिए देंगे, आप लोग कॉपी पेन लेकर इसका आंसर कीजिए, उसके बाद कमेंट में करके बताइएगा कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ है कि निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बताइएगा। हाँ ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा, विषाणु। क्या होगा दोस्तों? विषाणु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? ऑप्शन ए सेव। सेव जो है सो इसमें कूट फल है, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, सेव। नेक्स्ट चलिए आपका है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है दोस्तों, बताइएगा। फीमर। क्या होगा? फीमर। ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रक्त जो रक्त वर्ग है सो सर्वाधिक दाता होता है, यानी कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है सो आपका सर्वाधिक है? ऑप्शन बी ओ। ओ जो है सो आपका सर्वाधिक दाता है, यानी सभी को ये दे सकता है। नेक्स्ट है आपका, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है, तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा बैटसन। ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए आपका है, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन डी विषाणु यहाँ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है? देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका पिछले पेपर्स में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देखें और आगे जो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है किसमें पाई जाती है, तो आपका क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों जो आप लोग नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को हम बता दें कि ये वीडियो जो है सो हम डेली लेकर आते हैं आपको प्रैक्टिस सेट, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो ना तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। इसलिए आप लोग जो नए विद्यार्थी हैं उन लोग से कहना चाहेंगे और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को आपको इनसे फ़ायदा मिले, इनसे कुछ सीख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, किसके विरुद्ध होगा? ऑप्शन बताइएगा। चार ऑप्शन देखिए यहाँ दिया गया है, जैसा संक्रमण के। क्या हुआ दोस्तों? संक्रमण के। ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए आपका है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया, तो किसने बनाया दोस्तों? ऑप्शन सी डार्विन। डार्विन ने इन्हें किया था। नेक्स्ट चलिए आपका है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है, इसका आंसर आप लोग बताइए, तो मंड अस्टार्च का। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था,
ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट आंसर होगा, मेयर। ये जो थे यही ने हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, पित्त का प्रमुख कार्य है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। क्या होगा? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? यहाँ देखिए आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कि यहाँ आपको शो नहीं करता है। इसको हम आपको बता दें कि क्वेश्चन हम आपको पढ़कर बता देते हैं कि निम्नलिखित में से सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? क्या है आपका यहाँ सर? होती है, होती यहाँ लिखा गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ राइट आंसर होगा, प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश। चलिए नेक्स्ट है आपका, फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन बी बुचेरिया बिन क्राफ्टिक द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? कौन करेगा? तिल्ली, ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर आप लोग बताइए। आंसर होगा आपका यकृत। क्या होगा दोस्तों? सॉरी, देखिए जो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो यहाँ जोहानसन हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ देखिए ये जो है गलती से बोला गया दोस्तों, तो यहाँ देखिए जो इसका आंसर होगा जोहानसन होगा, ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर होगा कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किए थे, जोहानसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? कितना होगा? तो ऑप्शन ए यानी 8 होगा। क्या होगा दोस्तों? 8। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तो डायलिसिस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायलिसिस। नेक्स्ट है, बीज किससे विकसित होता है? 145 क्वेश्चन जो आपका है कि बीज किससे प्रकाशित विकसित होता है? तो ऑप्शन बी बीजांड से, ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर होगा, बीजांड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा होगा? तो चेचक, ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आंसर होगा, चेचक। नेक्स्ट है, मानव आँख का आवर्धन शक्ति क्या है? तो ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर होगा, 0.1 mm इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, क्यों? इसका जो क्या कारण है कि इसको हम लाइसोसोम की आत्मघाती थैली कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसमें जो है सो आपका उपापचयी एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्तिग्रह जिसे हम पावर हाउस भी कहते हैं, तो कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा अंडा है, तो इसमें चार ऑप्शन देखिए दिया गया है, इसका आंसर आप लोग बताइए कि सबसे बड़ा अंडा जो है सो क्या है? मुर्गी का अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, मानव का अंडा है, या गुर्दे की कोशिका, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर शुतुरमुर्ग का अंडा होगा, ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ आपको पूरा क्वेश्चन करा दिया गया है, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 150 तक करा दिए हैं, आपका 151 से कराया जाएगा। हर एक प्रैक्टिस शीट में आपको हम 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों हम लेकर आते रहते हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब वगैरह कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप लोग लाइक वगैरह भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि और लोग इसे सीखें। चलिए फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों क्विक आईक्यू स्टडी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए आते रहे। जय हिंद जय भारत।